Hello everyone, welcome to my channel. This is Priyanka, your English trainer. दोस्तों, आज के लेसन में मैं आपके लिए लाई हूँ हाउसहोल्ड आइटम्स यानी घर में यूज होने वाली चीजों को इंग्लिश में क्या कहते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी हाउसहोल्ड आइटम्स की इंग्लिश अच्छे से पता चल जाए. हमारा सबसे पहला वर्ड है अगरबत्ती. अगरबत्ती को इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस स्टिक. नेक्स्ट वन इज गोल तकिया. गोल तकिया को इंग्लिश में कहते हैं बॉलस्टर. बॉलस्टर. नेक्स्ट है बर्फ रखने का डिब्बा. इसे इंग्लिश में कहते हैं आइस बॉक्स. झूमर. दोस्तों, झूमर को इंग्लिश में कहते हैं शेंडेलियर. शेंडेलियर. रस्सी. रस्सी को इंग्लिश में कहते हैं रोप. रोप. नेक्स्ट इज मथनी. मथनी को इंग्लिश में कहते हैं चर्नर. चर्नर. बाती या फिर बत्ती जो हम दिए में लगाते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं विक. विक. नेक्स्ट है माचिस की तीली. माचिस को इंग्लिश में मैच बॉक्स कहते हैं और माचिस की तीली को मैच स्टिक. धूपदानी. धूपदानी को इंग्लिश में कहते हैं सेंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. फूलदान. फूलदान को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर वास. फ्लावर वास. मिट्टी का तेल. इसे इंग्लिश में कहते हैं केरोसिन ऑयल. केरोसिन ऑयल. नेक्स्ट है साबुनदानी. दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं सोप केस. सोप केस. नेक्स्ट वन इज हुक्का. हुक्का को इंग्लिश में कहते हैं हबल बबल. नेक्स्ट है फावड़ा. फावड़ा को इंग्लिश में कहते हैं स्पेड. स्पेड. नेक्स्ट इज कुल्हाड़ी. कुल्हाड़ी को बोलते हैं एक्स. एक्स. दराज. ड्रॉर. ड्रॉर. घड़ा या फिर मटका. इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पिचर. पिचर. नेक्स्ट वन इज सुराही. इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लैगन. फ्लैगन. नेक्स्ट इज कपड़े सुखाने की रस्सी. दोस्तों, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोथ्स लाइन. नेक्स्ट इज बर्तन. बर्तन को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉट्स, यूटेंसिल्स या फिर डिशेस. बाल्टी. ये बहुत कॉमन वर्ड है. इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बकेट. थूकदान. दोस्तों, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पिटून. स्पिटून. नेक्स्ट है सरोता. जैसे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, सरोता को इंग्लिश में कहते हैं नट क्रैकर, जिसे हम अखरोट काटते हैं. नेक्स्ट इज अलमारी, जो कि कपड़े टांगने की है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वार्डरोब. चिमटी. इसे हम संडासी भी बोलते हैं. इसे इंग्लिश में कहते हैं पिंसर्स. पिंसर्स. नेक्स्ट है हथौड़ा. हथौड़े को इंग्लिश में कहते हैं हैमर. हैमर. नेक्स्ट वर्ड इज पालना या फिर झूला. छोटे बच्चे का जो पालना होता है उसे बोलते हैं क्रैडल. क्रैडल. नेक्स्ट इज राख. राख को हम इंग्लिश में कहते हैं एशेस. एशेस. सुई. दिस इज वेरी कॉमन वर्ड. सुई को हम इंग्लिश में कहते हैं नीडल. नीडल. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेंशन बोर्ड. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसे इंग्लिश में भी एक्सटेंशन बोर्ड ही बोला जाता है. नेक्स्ट इज छड़ी. दोस्तों, छड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टिक. स्टिक. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कांटा. दोस्तों, कांटा को हम इंग्लिश में कहते हैं फॉक. फॉक.
Thanks for watching this video. If you like this video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.